आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अनुराग दीक्षित और मेरे साथ हैं योगेश सर, पाठशाला रेलवे एग्जाम में। और उम्मीद है मेरी आवाज आप सभी लोगों तक सही से पहुंच रही होगी। जी हां, आरआरसी ग्रुप डी के उस पल का इंतजार जिसका आप लोग 17 अगस्त से लेकर आज 11 सितंबर तक इंतजार कर रहे थे, यानी कि 11 अक्टूबर तक। तो ये जो परीक्षा चली है 17 अगस्त से शुरू हुई और आज आखिरी शिफ्ट 11 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के बाद यहाँ पर हम लोगों ने एक कट ऑफ का ऑथेंटिक वीडियो बनाया। ऑथेंटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक हफ्ते पहले बच्चों से गूगल फॉर्म भराए थे और उनका डेटा मंगाया था कि नाम, रोल नंबर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चन किए हैं, किस जोन से थे, क्या कैटेगरी थी। तो वीडियो में पूरा रुकिएगा और आपको पता चलेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी कैटेगरी में आपका जोन क्या है और उस जोन का जो कट ऑफ होगा अपने पास जो डेटा आया उस पर आधारित। नेक्स्ट आवाज योगेश सर की। देखिए, आपको पता है कि जब से परीक्षाएं शुरू हुई 17 अगस्त और आज लास्ट टेस्ट 11 अक्टूबर को पूरी तरह से परीक्षाएं खत्म हो चुकी। हम लोगों ने बहुत मेहनत से, चाहे वो अनुराग सर हो या फिर मैं हूँ, बहुत मेहनत के साथ आप सब लोगों को मैथ और साइंस की क्लास दी है। बहुत सारे बच्चे उस क्लास को प्यार भी दिया। अब समय आ चुका है ये बताने का कि आप लोगों ने जिस जोन से, जिस कैटेगरी से परीक्षाएं दी हैं तो उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, ताकि आप सब लोग पहले से पीईटी की तैयारी कर सके, है ना। फिजिकल एफिशिएंसी, हाँ, की। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले गूगल फॉर्म भरवाया था और उसमें अगर मैं बात करता हूँ कि कितने बच्चों ने लगभग गूगल फॉर्म भरा था, तो 17,000 प्लस स्टूडेंट उस गूगल फॉर्म को भर चुके हैं। अब इसमें अलग अलग तरह के जोन वाले बच्चे हैं, अलग कैटेगरी वाले बच्चे हैं, चाहे वो एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर कोई और कैटेगरी होता, हर तरह के बच्चों ने इन्हें फॉर्म भरा है। तो उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर कट ऑफ बताने वाले हैं और ये जो कट ऑफ होने वाला है ये आपके रॉ मार्क्स पर आधारित है। मतलब अभी हम लोगों ने परसेंटाइल का ऐसा कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ रॉ मार्क्स अगर आपके इतने आते हैं तो फिर आप अपने पीटी की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बात रही परसेंटाइल स्कोर की तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, क्योंकि अगर इस पर करते तो ये आपके लिए काफी लेंथी हो जाता और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ आपको दिया जाए जो आपको लेंथी दिखे या जिसमें आपका बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़े। और दूसरी चीज ये भी है कि ये जो कट ऑफ है ना, ये मतलब एक ऐसा कट ऑफ बनाया गया है जिसके बाद आप मान के साथ सकते हो कि ऐसा ही कट ऑफ आपका एग्जाम में, यानी कह सकते हो जब ग्रुप डी का रिजल्ट फाइनली आएगा तो वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जोन वाइज कट ऑफ को स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, पहला तो पहला जोन मैं आपको बता दूं, पहला जोन जो है वो पहला जोन है आपका यहाँ पर दिल्ली। तो दिल्ली जोन में अगर बात करते हैं, मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं कि आपका फॉर्म कितना पड़ा था, फॉर्म के साथ साथ आपको और भी बहुत सारा जो डेटा जान लेना जरूरी है। तो जब दिल्ली जोन का फॉर्म पड़ा था तो ये 19,03,729 इतना फॉर्म पड़ा था। और अगर अटेंडेंस की बात की जाए, जैसे कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट 3 साल पूरे हो चुके हैं जिसकी वजह से अटेंडेंस काफी कम थी। रीजन है एनटीपीसी में बहुत सारे लोग चले रहे, बहुत सारे लोगों ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ी है, बहुत सारे लोग इधर उधर सिलेक्शन की वजह से इस फॉर्म को या इस पेपर को नहीं दिए। तो अटेंडेंस जो ज्यादातर रही है वो 60% के आसपास हम लोगों ने एक एवरेज अटेंडेंस माना। तो अगर हम लोग इसका 60% निकालते हैं तो ये 11,42,237 के आसपास आता है। अगली बात करते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी थी दिल्ली जोन में, 13,853। लेकिन आपको पता है कि जब भी कभी पीटी की बात की जाएगी, पीटी के लिए कितने स्टूडेंट लेने हैं, तो पीटी के लिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट लेने हैं वो 3 times लेने हैं। कितनी टाइम? 3 times, हाँ, वैकेंसी का 3 times लेने। तो यहां पर जो पर सीट कंपटीशन बनेगा वो 28 के आसपास बन रहा है। ओके, अब हम लोग यहां बताते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो अगर आप दिल्ली जोन से फॉर्म भरे हैं और अगर आप जनरल में हैं तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो 65.7, मतलब इतना रॉ स्कोर होना चाहिए आपका। ओबीसी की कट ऑफ 62.3, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगी इसमें 61.7 हाई जाएगी, जबकि एससी की कट ऑफ 56.4। दिल्ली जोन में दा रखेगा जो एसटी की कट ऑफ होती है वो और भी काफी कम जाती है, एसटी की 49.6। तो ये कट ऑफ जो है ये दिल्ली जोन वालों के लिए है, एक बार स्क्रीनशॉट सब लोग जरूर ले लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगले जोन पर बात करें तो ये गोरखपुर जोन है और गोरखपुर जो जोन है इसमें जो फॉर्म की संख्या है वो भरे गए 6,20,825 फॉर्म, और जिसका अगर मैं 60% अटेंडेंस मान के चलता हूं तो ये लगभग 3,72,495 आ जाता है। और ये 3,72,495 जो है इसकी 4,002 वैकेंसी के लिए यहाँ पर होगा, और 4,002 वैकेंसी का अगर मैं 3 गुना कर दूंगा तो 12,006 होगा, और 12,006 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो लगभग 31.02 आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक सीट के लिए 31.02
02 बच्चे, यानी आप 31 मान के चलिए, इतने बच्चे फाइट करेंगे। और यहाँ पर अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की बात कर लेता हूँ तो 67.4, ओबीसी 63.6, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा 61.2, एससी कैटेगरी 54.3 और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो है 48.9 जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगले जोन की बात करते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट जोन है वो हमारा हाजीपुर है, और बाकी सब तो बारे पता चल चुका है टाउन क्या है, ये नंबर ऑफ फॉर्म है और ये अटेंडेंस के अनुसार जितने बच्चों ने पेपर दिया है वो है। और अगर बात वैकेंसी की करते हैं तो यहाँ 3,562 वैकेंसी थी और पर सीट जो कंपटीशन था वो 32 के आसपास था, 32 के आसपास था, क्योंकि 3 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं, है ना। अगर बात करते हैं कि बताइए इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो याद रखिएगा हाजीपुर का जो कट ऑफ है वो 66.9 के आसपास रहने वाला है, ओबीसी का 63.4, EWS का 61.6, अरे 61.6 और SC का 56.8 और ST का ध्यान रखिएगा 49.6 के आसपास रहने वाला है। अगला जोन की बात करते हैं। जी हाँ, एक ये वो जोन है जिसको डेंजर जोन में माना जाता है, जिसको कहते हैं इलाहाबाद जोन, और यहाँ पर वैकेंसी की संख्या थी 4,370 और फॉर्म भरे गए 9,11,082 फॉर्म, जिसमें अटेंडेंस लगी 5,46,649 बच्चों की। अगर मैं मान के चलता हूँ कि 60% बच्चे अटेंडेंस में रहे, यानी उन्होंने पेपर दिया, तो प्रति सीट कंपटीशन आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत हाई होता है, 41.69 बच्चों को प्रति सीट पर कंपटीट करना पड़ेगा। इसके कारण जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा यहाँ पर काफी हाई जाता है। अगर आप 2018 की वैकेंसी को उठा के देख लेंगे तो वहां पे भी इलाहाबाद जोन में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था वो अच्छा खासा था, यानी कि 70 से ऊपर था और काफी 73 के आसपास था। तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इस बार यहाँ पे 70.3, ओबीसी 67.7, ईडब्ल्यूएस 66.4, एससी कैटेगरी 61.7 और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा इलाहाबाद जोन के लिए 53.3 होगा। हम लोग चल रहे हैं अपने अगले कट ऑफ को जानने के लिए जोन के लिए। उससे पहले मैं बता दूं ये आपका एक हाई कट ऑफ जोन है, मतलब अगर आप डेंजर जोन है, इसमें जो कट ऑफ रहेगी वो हाई रहेगी, अभी तक 70 किसी में नहीं हम लोगों ने बताया। इसके बाद अगला जो कट ऑफ है वो आपका है जयपुर का। जयपुर में देखिए फॉर्म जो पड़े थे वो 9,61,000 और इसमें अगर बात करते हैं अटेंडेंस की 60% ले लीजिए तो 5,76,616 और वैकेंसी इसमें थी 5,249 और पर सीट कंपटीशन पड़ा है 36, थोड़ा ज्यादा है। लेकिन जयपुर में जो कट ऑफ हमने निकाला लोगों के आंकड़े से, बच्चों के बताए हुए से, आप देखिए ऐसा नहीं है कि जहां पर पर सीट कॉम्पिटिशन ज्यादा है वहीं पर ही कट ऑफ ज्यादा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे हाँ, और भी जो बच्चों ने इस बार भेजा है टीम सर इतना इतना आंकड़ा रहा उसी के अनुसार है। अगर जनरल की कट ऑफ बताई जाए तो इसमें जनरल की कट ऑफ है 65.3, जबकि ओबीसी की कट ऑफ 61.36, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 60.2, थोड़ा कम है, और एससी की 55.9, जबकि एसटी की कट ऑफ है 51.2 के आसपास। नेक्स्ट बात करते हैं बिलासपुर जोन। बिलासपुर जोन में अगर वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर वैकेंसी की संख्या काफी कम थी, 1664 वैकेंसी थी, जिसके लिए 283,221 फॉर्म भरे गए। अटेंडेंस की बात करें 60% तो 1,69,932 लोगों ने फॉर्म भरा, पर सीट कॉम्पिटिशन 34, यानी आप देख रहे हो वैकेंसी कम है लेकिन प्रति सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा भरेगा और उस पर अटेंडेंस जो है बच्चों की वो अगर देखी जाए तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहने वाला है वो 64.2, ओबीसी 61.9, ईडब्ल्यूएस 60.6। अच्छा, इनमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है किसी भी जोन के लिए, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो 53.8 के आसपास कट ऑफ जाएगा, जबकि एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 49.6 रहने वाला है, कुछ नंबर ऊपर नीचे करके, ठीक। तो ये एक लो कट ऑफ जोन है, ध्यान रखिएगा ये हाई कट ऑफ जोन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला आप चाहते हैं, अगला है आपका वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करते हैं, और ये भी एक लो कट ऑफ जोन है, क्यों है उसका रीजन भी आप देख पा रहे हैं। इसमें फॉर्म पड़े थे 9,92,990 और देखिए इसमें जो अटेंडेंस है अगर 60% देखी जाए तो 5,95,000 के आसपास अटेंडेंस, वैकेंसी काफी ज्यादा है, आप देखिए 10,734, तो पर सीट जो कंपटीशन आ रहा है वो लगभग 18 के आसपास आ रहा है, मतलब बहुत कह सकते हो ज्यादा कंपटीशन नहीं है यहाँ पर, कम है। यही रीजन है इसकी जो कट ऑफ है वो देखिए सिर्फ और सिर्फ 62.6, है ना। तो कट ऑफ काफी कम है जनरल की और अपेक्षा, ज्यादातर की 65 के आसपास है लेकिन इसकी बहुत कम है। ओबीसी की कट ऑफ देखिए 57.9 के आसपास रहेगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 55.2 और एससी की कट ऑफ 50.2 और जबकि एसटी की कट ऑफ रहने वाली है 46.3, काफी कम है। मैं अगर बात कर लेता हूं जिस
जोन का एग्जाम अभी सबसे आखिरी में हुआ है, जिसको कहते हैं हुबली जोन। और हुबली जोन की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी थी, 7,167 वैकेंसी, जिसके लिए जो बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उसकी संख्या 6,70,283 थी, जबकि अटेंडेंस हुई 4,02,169 बच्चों की। और प्रति सीट कॉम्पिटिशन देखा जाए तो लगभग 19 के आसपास बैठता है, 18.7 उसको 19 मानते हैं। तो इसलिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर 61.5 दिमाग में ही आया होगा, सर ये कम कैसे हो गया, क्योंकि भैया यहाँ पर फॉर्म भी पिछले जोन की अपेक्षा, मुंबई सेंट्रल जोन की अपेक्षा कम भरेगा और वैकेंसी भी उससे कम थी, यानी यहाँ का कट ऑफ निश्चित तौर पर कम जाना ही था। ओबीसी की बात करें 56.2, ईडब्ल्यूएस 54.5, एससी कैटेगरी 51.3 और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा हुबली जोन के लिए 46.2 रहने वाला है। आगे के अगले जोन पर चलते हैं और बात करते हैं कि देखिए अब अगला जोन है आपका चेन्नई। चेन्नई में देखिए जो फॉर्म पड़े थे वो 9,00,264 के आसपास, वैकेंसी इसमें थी 9,579 और इसमें जो अटेंडेंस थी वो 5,40,000 के आसपास थी। और पर सीट कंपटीशन, पर सीट कंपटीशन 3 times के साथ हम लोग निकाल रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। ओके, इसमें जो जनरल का कट ऑफ रहेगा वो हमारा 67.5 के आसपास रहेगा, थोड़ा ज्यादा ना कहिए इसको, मॉडरेट कहिए, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा ज्यादा भी नहीं है। ओबीसी का कट ऑफ 63.2 और जबकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 60.7। एससी की बात करते हैं तो 56.2 के आसपास और एसटी का इसमें कट ऑफ रहने वाला है 52.3। अगर आप इतना स्टोर किए हैं चेन्नई में तो आप सेफ है। अब बात करते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई की और यहां पर वैकेंसी की संख्या एक बार फिर से अच्छी दिखाई दी, 9,343 वैकेंसी, जिसके लिए जो बच्चों ने फॉर्म भरे 9,07,390 फॉर्म भरे और इसकी 60% अटेंडेंस लगी, यानी कि 5,44,434, यानी कि प्रति सीट जो कंपटीशन रहा है यहाँ पर 19 बच्चों का प्रति सीट कंपटीशन रहा है लगभग। तो अगर इसके कट ऑफ की बात की जाए तो इसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो 63.6 रहेगा, जबकि ओबीसी कट ऑफ 60.3, ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की बात करें तो 57.2, एससी कैटेगरी का कट ऑफ 51.9 और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ भी सबसे कम रहेगा 48.3। चलिए अगले जोन पर चलते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए अब ये जो अगला जोन है आपका वो है कोलकाता, थोड़ा सा इसका जो कट ऑफ है वो हाई रहती है, थोड़ी सी हाई कहिए। इसमें अगर बात फॉर्म की करते हैं तो 4,94,000 के आसपास फॉर्म पड़े गए थे, अटेंडेंस देखिए 2,96,564, वैकेंसी की बात करते हैं तो ये 4,914 वैकेंसी और पर सीट कॉम्पिटिशन जो है वो इसमें लगभग 20 स्टूडेंट है ना। बात करते हैं अगर इसके जनरल कट ऑफ की, बताइए जनरल का कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो 68.2, लेकिन ये कोलकाता साउथ ईस्टर्न है, ध्यान रखना। उसके बाद ओबीसी की कट ऑफ है 63.4, जबकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 60.2, 60.2, एससी की कट ऑफ रहने वाली है 54.2, एसटी की जो कट ऑफ निकली है अकॉर्डिंग टू जितना भी डेटा हमारे पास आया था 51.5। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जोन है अपना सिकंदराबाद जोन, जहां पर वैकेंसी की संख्या एक बार फिर जबरदस्त थी, 9,328 वैकेंसी, जिसके लिए 9,49,756 फॉर्म भरे गए। अगर अटेंडेंस की बात की जाए तो 60% बच्चे, यानी 5,69,853 बच्चों ने यहां पर परीक्षा दी 60% अटेंडेंस को मानते हुए। जैसा कि सर ने बताया था कि 60% अटेंडेंस क्यों रही, काफी बच्चे एनटीपीसी सीबीटी 1 और 2 में सिलेक्ट हुए, मतलब फाइनली एनटीपीसी में सिलेक्ट हुए और अन्य एग्जामों में भी सिलेक्ट हुए, कई स्टेट एग्जाम और एसएससी में। उसके बाद प्रति सीट कॉम्पिटिशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर प्रति सीट का जो कॉम्पिटिशन है 20.36। अगर बात करें कट ऑफ की तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 52.3 रहेगा, एससी कैटेगरी का कट ऑफ 55.4, ईडब्ल्यूएस 60.3, ओबीसी 63.2, जबकि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ भैया रहने वाला है सिकंदराबाद का 66.7। अगली कैटेगरी पर चलते हैं, अगले जोन पर चलते हैं, तो अगला जोन जो है अपने पास ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ठीक है। ये एक हाई कट ऑफ जोन में आएगा, हाई कट ऑफ जोन में क्यों आएगा उसको भी मैं बता दूं। इसमें अगर फॉर्म की बात करते हैं तो देख लीजिए 11,64,000 के आसपास फॉर्म पड़ा है, काफी ज्यादा फॉर्म है। और इसमें वैकेंसी की बात करते हैं तो 10,873, बाकी अटेंडेंस की देखिए तो 6,98,000 कह सकते हो बच्चों ने पेपर दिया है और पर सीट कॉम्पिटिशन जो है उसमें है 21.42। लेकिन इसका जो कट ऑफ है, यूआर का जो कट ऑफ आया है अकॉर्डिंग टू डेटा जो आपने भेजा है वो आया है 70.2। ओबीसी का कट ऑफ रहेगा इसमें 66.6 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहेगा 63.7, जबकि एससी का कट ऑफ रहेगा 58.4 और एसटी कट ऑफ रहने वाला है 53.7, ठीक है। अगले जोन पर बात करते हैं तो ये गुवाहाटी जोन, इस गुवाहाटी जोन के लिए भी भाई बच्चों ने बड़ा संघर्ष किया, परीक्षाएं देर हुई, कभी चीजें नहीं बनी। वैकेंसी की बात की जाए 2,894 वैकेंसी, जिसके लिए 3,52,814 बच्चों ने फॉर्म भरा
और उसमें जो अटेंडेंस लगी है 211,688 बच्चों की लगी, तो प्रति सीट कॉम्पिटिशन की बात कर दी जाए तो यहाँ पर लगभग 24 बच्चे प्रति सीट पर एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। अगर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की बात की जाए तो यहाँ का कट ऑफ हाई रहने वाला है क्योंकि कॉम्पिटिशन टाइप वैकेंसी कम। ठीक, तो 71.3 जनरल कैटेगरी ओबीसी, 67.9 ईडब्ल्यूएस, 65.2 एससी कैटेगरी, 58.4 और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर अन्य जोन की अपेक्षा बढ़ के आता है 51.6 रहने की संभावनाएं हैं। अगली बात, अच्छा अभी ये आपका अगला जोन है भुवनेश्वर। अगर बात भुवनेश्वर की करते हैं तो ये भी हमारा एक हाई कट ऑफ जोन में रहता है, 3,18,000 के आसपास इसमें फॉर्म पड़ा था, वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 25-55 है ना, और अटेंडेंस की बात करते हैं तो 1,90,000 के आसपास लोगों ने पेपर दिया, और पर सीट जो कंपटीशन रहने वाला है पीटी के लिए वो है 24.9, लगभग 25 स्टूडेंट। बात करते हैं जनरल कट ऑफ की, तो जनरल का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 69.1, ओबीसी का इसमें कट ऑफ रहने वाला है 65.7, EWS का कट ऑफ 62.9 के आसपास, और जबकि SC का कट ऑफ रहेगा 57.3, ST का 52.6। चलो अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट जोन की ओर। अगला जोन आ चुका है जबलपुर। जबलपुर में 4,019 बच्चों का जो वैकेंसी थी उसको डिटेल दी गई, जिसमें 5,28,589 बच्चों ने फॉर्म भरा, जिनकी अटेंडेंस 60% के हिसाब से 3,17,153, और प्रति सीट पर कॉम्पिटिशन की बात करें तो 26 बच्चों ने प्रति सीट पर कॉम्पीट किया। जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को 68.7, ओबीसी 63.24, ईडब्ल्यूएस 60.9, एससी कैटेगरी 56.3 और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 52.43 रहने की पूरी संभावना है, कुछ नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं डेटा जो अपने पास आया। अगर बात कर लेते हैं हाँ, इतनी कैटेगरी तो अभी तक देखिए हमने सारे के सारे जोन का कट ऑफ बता दिया, तो ये जो आया है ना आपके सामने सारे के सारे जोन का, मैंने हम लोगों का कट ऑफ बताया कैटेगरी वाइज बताया, ये अकॉर्डिंग टू डेटाबेस है जो भी आप लोगों ने हमें भेजा था। ये अलग बात है कि एक दो नंबर ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन आपका जो कट ऑफ रहने वाला है ये मोस्ट प्रोबेबल यही रहने वाला है। ठीक है, आपको एक जानकारी और देते थे, जिन बच्चों का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा उनके लिए दिसंबर से पीईटी की परीक्षा यानी उसका फिजिकल टेस्ट जो होगा वो शुरू हो जाएगा। ये फिजिकल टेस्ट इसका दिसंबर से शुरू हो जाएगा, जिसमें 4,000 बच्चों को प्रतिदिन पीईटी के लिए अलाउ किया जाएगा। उसके बाद जनवरी से अगर बात की जाए, जनवरी के आखिरी यानी फरवरी की शुरुआत से जो मेडिकल डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की जाएगी, जिसमें प्रतिदिन 400 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और मार्च से अप्रैल तक का, जो कि रेलवे और मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी मिलती है कि मार्च से अप्रैल तक में इन बच्चों का मेडिकल कराने के बाद उनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि ज्वाइनिंग लेटर ये अपॉइंट कर दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा। ठीक, और इस वीडियो के बाद आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर गेन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपका ये जो कट ऑफ हम लोगों ने बताया अकॉर्डिंग टू डेटाबेस, इससे आप लोग कितना परसेंट सहमत है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ रहने वाला है। ये बात सही है, वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा थी, कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, लेकिन इतना भी कम नहीं जाएगा कि 50-55 के आसपास जाए जनरल का, ऐसा नहीं होने वाला है। आपका ज्यादातर जनरल का जो कट ऑफ, अगर मैं सारे जोन को एक कम शब्दों में कहूँ कि सारे जोन का लगभग कट ऑफ कितना दिया, तो लगभग आपने देखा है कि 64, 65, 66 इसी के आसपास जा रहा है। तो अगर आपका जो स्कोर है वो इसके आसपास बन रहा है तो आप पीएटी के लिए जरूर तैयारी कीजिए, एक दो नंबर ऊपर नीचे होगा, और इसके बाद कह सकते हो कि ये क्लास के बाद अब ग्रुप डी का एग्जाम तो बच्चा खत्म हो गया, अब हम लोग एक नई पहल एक नए रास्ते की ओर बढ़ेंगे, उसके लिए आप लोग को एक दो दिन में पता चल जाएगा कि हम लोग अब किस एग्जाम के लिए आगे तैयारी कराने वाले हैं, है ना। जुड़े रहिए पाठशाला टीम के साथ और अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कीजिए और ज्यादा इंप्रूव कीजिए। जय हिंद जय भारत।